अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन बड़ा स्पेशल गेस्ट है हमारे पास। मैं थोड़ा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि वो मेरी फील्ड से रिलेटेड काम कर रही है। फील्ड रिलेटेड मतलब पढ़ाई में नहीं, व्लॉगिंग में। एज में जूनियर है लेकिन वैसे सीनियर है। उनसे आज कुछ सीखने को जो कुछ मिलता है हम भी सीखते हैं, आप भी सीखिए। यहाँ बैठ के उनसे डिस्कशन होती है। अभी भी आ रही हैं, बुलाता हूँ, अभी आते हैं। अस्सलामुअलैकुम। मिनाल भाई से तो आप मिल चुके होंगे मेरे व्लॉग्स में। कैसे मिनाल भाई, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बड़े क्यूरियस करते हैं मुझे कुछ सवाल। पहले तो यार, पहले आप पोलैंड आए, बाद में आप जर्मनी आए, तो किस तरह आपका ये पोलैंड में स्टडीज फिर जर्मनी में स्टडीज, क्या चक्कर? यार मसला ये था कि ना मेरे जो होता है ना पाकिस्तानी सोच के आप कम पैसों में ज़्यादा कर लो, तो वही मेरे अंदर भी सोच थी। मेरे माँ बाप इतने ज़्यादा अफोर्ड कर भी नहीं सकते थे कि जर्मनी में ब्लॉग अकाउंट खुलवाओ। मैं अपने सारा मेन चैनल पे मेरा यही फोकस होता है कि अगर आपको जिस कंट्री में आपको फाइनली जाना है ना, आप स्टार्ट ही उस कंट्री से करो। मैं सबसे पहले पोलैंड आया, मैंने ब्लॉग अकाउंट तो बचा लिया, मगर जब फिर जर्मनी आया जेब में एक रुपया भी नहीं था और सड़क पर एक टाइम ऐसा आया कि सोना पड़ने वाला था अगर कोई मदद नहीं करते लोग। तो मेरा मेन फोकस यही होता है कि आप आओ। मैं पहले पोलैंड आया मगर मुझे तो जर्मनी आना था। एक बंदे की ड्रीम कंट्री होती है ना, वो मेरी ड्रीम कंट्री अमेरिका नहीं थी, कनाडा नहीं थी, अब अमेरिका है कि न्यूयॉर्क जाऊंगा एक दिन। मगर उस टाइम मेरा था कि जर्मनी जाना है और मैंने ब्लॉग अकाउंट बचा लिया। ब्लॉग अकाउंट बचाया, उसका बहुत नुकसान हुआ मुझे। इसलिए मेरा मेन फोकस यही समझाना है आप लोगों को कि अगर आपको जर्मनी आना है तो जर्मनी ही आए। ब्लॉग अकाउंट के पैसे आप ही के होते हैं, वो आप ही की जेब में होते हैं, आपको नहीं इस्तेमाल करने वापस पाकिस्तान भेज दीजिएगा, मगर वो बहुत हेल्प करते हैं। डन। इसके अलावा मिनाल भाई ने यूट्यूब ब्लॉगिंग वगैरह यार ये एकदम गेम में आए थे और छा गए। बहुत पसंद था मुझे, मज़ा आता था देख के कि यार लोग कैसे अपनी ज़िंदगी दिखा रहे हैं। तो मैं तरीके ढूंढता हूँ कि मैं भी अपनी अब मैं जब मुझे अल्लाह मियाँ ने दिया है कि यार मैं दूसरे मुल्क 120 यूरो का टिकट खरीद के मैं स्पेन जाके बार्सिलोना पार्टी कैपिटल जा सकता हूँ या बर्लिन आ सकता हूँ, तो मैं क्यों ना वो आप लोगों को भी दिखाऊँ। और मैं भी मेरा भी यही एम होता है कि जहाँ भी जाओ हम शेयर करें अपना पर्सपेक्टिव। यूरोप एक देसी बंदा पाकिस्तानी या इंडियन यूरोप को किस नज़र से देखें, आई थिंक वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है ऑडियंस के लिए भी और कि जो पीछे बैठे होते हैं। क्योंकि सबसे पहला कोई कमेंट आया था मेरी अम्मी की तरफ से कि यार ये तो बड़ा फिट किस्म का मुल्क है, कहाँ कहाँ घूम रहे। तो वहाँ से मुझे एहसास हुआ था कि यार वहाँ बैठे लोगों के लिए एक नई चीज़ है, एक नया जहन खोलने वाली। मेरे भी शुरू शुरू में सिर्फ 7 व्यूज आते थे, मेरे 4 बहन भाई अम्मा अब्बा और एक मेरा। ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे अगर कोई इस प्रोफेशन में आना चाह रहा है, कोई जर्मनी या यूरोप ऐसा आना चाह रहा है, तो मस्ट क्या ऑप्शन है? आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं भी तो लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर आप डायरेक्ट यूरोप नहीं भी आना चाहते तो सबसे पहले दुबई जाएं, फ्री वीज़ा है, ऑलमोस्ट बहुत सस्ता टिकट होता है, जाएं 2-4 दिन के लिए। सबका एक ना एक रिश्तेदार दुबई में रहता होता है, नहीं रहता तो दोस्त तो रहता ही होता है। आप एक्सपोजर मिलता है बहुत ज़्यादा, बंदा जब बाहर लोगों से बात करता है उसका चेंज ही हो जाता है, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है सोचने का। जब मैं पाकिस्तान में था मैं बहुत अलग आदमी था। आप कुछ ना कुछ सीखते हो, कुछ ना कुछ सीखते ही हो, एक्सपीरियंस ही मिलेगा कुछ ना कुछ। ज्यादा ज्यादा पाकिस्तान ही जाना पड़ेगा ना, वापस चले जाएंगे अपना ही मुल्क है। नहीं वो सीख के जाओगे, कुछ ना कुछ सीख के जाओ, काफी कुछ सीख के जाओगे। मिनाल भाई का एक्सेंट सीखा है यहाँ पे, क्या अंग्रेजी मारते हैं? नहीं नहीं क्या अंग्रेजी, जब मैं यहाँ नया आया ना तो मेरे पहले पहले ब्लॉग्स में मेड अप करता था, एक्सेंट बनाने की कोशिश करता था। फिर यहाँ अंग्रेजों में रह रहे क्योंकि अंग्रेजी मेरी अच्छी थी, एक्सेंट अच्छा नहीं था, तो मैंने जान पूछ के बनाने की। अब मेरा यहाँ अंग्रेजों के साथ रह के ही अब प्रॉपर अंग्रेजी। मैं उर्दू बोल रहा था, क्या कर क्या कर रहा है ये, उर्दू बोल रहा है आउट। नहीं हम उर्दू में बातें करते हैं, इतने अंग्रेज नहीं हुए। चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? चैनल बहुत इनसेन चैनल है, बहुत इनसेन चैनल। मैं अभी सुबह बैठ के, कल मैं इनसे पहली बार मिला, इन्होंने मुझे बर्लिन बुलाया। भाई मैं तो इतना अकेला आदमी हूँ, ये शायद मेरा पहला दोस्त ब्लॉगर दोस्त बना है जर्मनी में। मैं इतना अकेला आदमी हूँ, मैं खुद अकेले अकेले करता रहता हूँ। बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरा तो, बहुत अच्छा। मैंने इनकी फिर रात में बैठ के रात से सुबह तक सारी वीडियोज़ देख डाली,
मैंने बोला भाई ये तो ये बहुत पैसे वाला बंदा है और इसके पास सारी इक्विपमेंट है, इसका दोस्त बना लो। 10 यूरो बन गए प्रमोशन के। प्रॉफिट की बात बात नहीं, जरूर ये अच्छा। अगर आप वहाँ पाकिस्तान में भी बैठे हुए तो आप कम अज कम जर्मनी देख तो सकते हैं ना, इसके चैनल से, मेरे चैनल से और 2-3 लोग हैं उनके चैनल। बल्कि मेरा मानना ये है कि जितने भी लोग पहले यहाँ पे काम कर रहे थे, लाइक बहुत से ब्लॉगर, मुझे भी बाद में पता लगा, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि लोग अपनी टफ लाइफ, क्योंकि यहाँ की लाइफ बड़ी बिजी है, यहाँ की लाइफ से टाइम निकाल के वो इतना अच्छा कॉन्टेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आई वॉज लाइक शॉक कि यार टैलेंट है, पैशन है तो वही चीज़ कर रहे हैं। हाँ, वरना ये चीज़ यहाँ पे रह के इस बिजी स्केड्यूल में नहीं हो सकती, बहुत काम होता है, बहुत मुश्किल। तो मुझे उन लोगों से मिलने का शुरू से बहुत शौक था कि यार इस तरह के जो टैलेंटेड और सेम फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे मिलूं। और इस ऐसी लोगों की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ना, अब ये एक रिस्पेक्टेबल बात है ना, इस बंदे ने ढूंढा और फिर चाय पड़े तो अलग बात है, मगर मैंने कभी किसी को ढूंढने की कोशिश नहीं करी। मेरे थोड़े बहुत ज्यादा ही सब्सक्राइबर होंगे हो सकता है, मगर मैंने कभी नहीं ढूंढने की कोशिश करी, मगर इन्होंने मुझे ढूंढना, इन्होंने बोला आओ, मैंने बोला यार इस बंदे ने बुलाया मुझे, जाना मस्ट है, कुछ भी हो जाए जाना और मिलना तो मस्ट है। चलिए एक छोटा सा आप अपना जो आपका टिपिकल लाइन आप बोलते हैं, जो हैवी किस्म की लोग फिदा है इनकी लाइन पे यार, वो बोल दें फिर हम ना साइन आउट करते हैं। तो भाई बहुत मज़ा आया आज इनके साथ, मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था। और अब शाम होने को आई है तो मैंने प्लान करा हुआ है कि घर जाके बिरयानी बनाएंगे। तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट, कल मिलते हैं। कराची के नाज़रीन कैसे हैं? आज हम बिरयानी बनाने लगे हैं, लेकिन बगैर आलू वाली नहीं। बगैर आलू वाली नहीं, आलू वाली। कराची वाले से बिरयानी बनाने का बोल रहा है आलू नहीं डालो। अरे आलू डालते हो तो कम से कम छोटे काट के डाल लो। नहीं, आलू बीच में से आधा होगा और अंदर, मतलब मेहनत नहीं कर रहा। मेहनत इसको कोई बताओ, कोई कराची वालों अगर वीडियो देख रहे हो बताओ कैसी होती है नंबर वन बिरयानी इस कराची। कभी शाम बाद आओ, बर्गर खिलाते हैं। अच्छा बंदा है।